हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ इस टाइप की सॉफ्ट ब्लू फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। सो गाइज, ये एडिटिंग मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सो गाइज, इसके लिए आपको सबसे पहले लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को हमें ऐड कर लेना है। गाइज, हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं, सिंपली इस पर हमें क्लिक करना है एंड इसको ऐड कर लेना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे ऑल फोटो पे हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे अपनी फोटो को हमें ओपन कर लेना है। सो गाइज, इसके अंदर सबसे पहले हमें लाइटिंग करनी है तो यहाँ पे हमें लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सो गाइज, इसके अंदर एक्सपोजर है उसको हमें डाउन करना है एंड सिंपली हमें इतना कर लेना है। एंड कंटेस्ट है इसको भी हमें डाउन करना है एंड इसको भी हम इतना कर लेते हैं। एंड हाईलाइट गाइज, इसको भी हमें हल्का सा डाउन करना है। एंड शैडोज गाइज, इसको भी हमें डाउन करना है एंड सिंपली इतना हम इसको कर लेते हैं। एंड वाइट गाइज, वाइट को हमें इंक्रीज करना है। एंड यहाँ पे आता है ब्लैक्स, ब्लैक्स को भी हल्का सा हमें डाउन करना है। एंड गाइज, हमारी लाइटिंग तो एडजस्ट हो चुकी है, अब हमें अपनी फोटो का अंदर कलर ग्रेडिंग करनी है तो सिंपली यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड इसके अंदर टेम्परेचर है इसको हमें हल्का से यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइज, टिन है इसको हमें हल्का से डाउन करना है। एंड विब्रेंस है इसको हमें इंक्रीज करना है। एंड गाइज, यहाँ पे अब हमें आना है मिक्स वाले टूल पे तो सिंपली अब हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे हमें सेकंड वाला कलर गाइज ऑरेंज कलर इसके ऊपर हमें आ जाना है। एंड इसके अंदर हुई है इसको हमें हल्का से यहाँ पे इंक्रीज करना है। एंड सेचुरेशन है इसको हमें डाउन करना है एंड सिंपली इतना हमें डाउन कर लेना है। एंड ल्यूमिनेंस है इसको हल्का से यहाँ पे इंक्रीज हमें कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद नेक्स्ट वाला कलर यहाँ पे हमें येलो कलर पे आ जाना है। एंड इसकी हुई है इसको डाउन करना है -100। एंड सेचुरेशन है इसको भी हमें -100 कर लेना है। एंड ल्यूमिनेंस का इसको भी हमें माइनस में कर लेना है तो सिंपली हम इसको इतना कर लेते हैं। एंड इसके बाद में हमें नेक्स्ट वाला कलर यहाँ पे ग्रीन कलर इसके ऊपर हमें आ जाना है। एंड इसके अंदर हुई है इसको हमें डाउन करना है -100। एंड यहाँ पे सेचुरेशन है इसको भी हमें -100 कर लेना है। एंड गाइस, यहाँ पे ल्यूमिनेंस है इसको भी हमें डाउन करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट वाला कलर यहाँ पे आ जाता है एक्वा कलर, इसके ऊपर हमें आना है। एंड ह्यू को एंड सेचुरेशन को दोनों को हमें डाउन कर लेना है। एंड गाइस, इतना करने के बाद सिंपली अब इसको हमें डन कर लेना है। एंड अब हमें इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड फर्स्ट वाला ऑप्शन है गाइस, इसके ऊपर हमें आना है। एंड यहाँ पे शैडोज गाइस, इसको शैडोज के अंदर हुई है इसको हमें इंक्रीज करना है तो सिंपली यहाँ पे हमें इसको इतना इंक्रीज कर लेना है। एंड यहाँ पे सेचुरेशन है इसको भी हमें इंक्रीज करना है। एंड इसको भी हमें सिंपली यहाँ पे 70 के आसपास हमें कर लेना है। एंड ल्यूमिनेंस है इसको हमें डाउन करना है एंड सिंपली इसको हमें इतना डाउन कर लेना है। एंड गाइस, हमें इतना कर लेना है। एंड ब्लेंडिंग है इसको हमें इंक्रीज करना है। एंड ब्लेंडिंग को हमें इतना इंक्रीज करना है। एंड बैलेंस है इसको भी हमें डाउन करना है एंड सिंपली इसको भी हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइस, इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड अब हमें अपनी फोटो के अंदर इफेक्ट डालना है तो सिंपली यहाँ पे हमें इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड गाइस, टेक्सचर है इसको हमें इंक्रीज करना है एंड सिंपली इसको हम इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड क्लियरिटी है इसको भी हल्का से यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। एंड गाइस, यहाँ पे डेहेज है इसको हल्का से इसको भी हमें इंक्रीज करना है। एंड गाइस, यहाँ पे विग्नेट है इसको हमें डाउन करना है एंड सिंपली इतना हम इसको डाउन कर लेते हैं। गाइस, इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है, अपनी फोटो को हमें स्मूथ करना है तो यहाँ पे शार्पनिंग है इसको हमें इंक्रीज करना है, डिटेल्स को हमें फुल करना है। एंड यहाँ पे आता है गाइस कलर नॉइज़ रिडक्शन, इसको भी हमें इंक्रीज कर लेना है। एंड यहाँ पे डिटेल्स को हमें फुल करना है, कलर नॉइज़ रिडक्शन आता है इसको इंक्रीज करना है, डिटेल्स को एंड स्मूथनेस को दोनों को हमें फुल कर लेना है। एंड गाइस, अब हमें सिंपली यहाँ पे लेंस वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है एंड इन दोनों को हमें ऑन कर लेना है। एंड गाइस, आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है। सो गाइस, सिंपली अब हम इसको सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्क्रॉल करना है। एंड गाइस, यहाँ पे एक्सपोर्ट एज़ है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है एंड JPG यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है एंड डन कर लेना है तो हमारी फोटो जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर सेव हो जाएगी। सो गाइस, आई होप ये एडिटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।